वेलकम टू इंडिया स्टडी दोस्तों, आज 15 मार्च 2020 और 15 मार्च 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते थे वो सारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सर क्रिक मुद्दा किस देश के साथ है, ठीक है। भारत का सर क्रिक मुद्दा किस देश के साथ है, तो वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सर क्रिक मुद्रा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। यह सिंध और कच्छ के बीच सीमा की व्याख्या के बारे में है, ठीक है। सिंध और कच्छ के बीच ये सीमा के, ठीक है, बॉर्डर के लिए है ये मुद्दा। यह क्षेत्र आज़ादी से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, परंतु आज़ादी के बाद कच्छ भारत और सिंधु पाकिस्तान के अधीन में आ गया। लेकिन इसके पश्चात 1941 में, ठीक है, पाकिस्तान और कच्छ के राव महाराज और सिंध की सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिससे पाकिस्तान पूरी खाड़ी मेन अपना दावा करता है, ठीक है। तो इसके लिए है ये क्रिक मुद्दा। चलिए चलते सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। पशु संरक्षण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा स्थान मिला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जारी की गई वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। यह रिपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्था द्वारा जारी की गई है, ठीक है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, इंटरनेशनल, ठीक है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्था द्वारा जारी की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थ्री नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल के, ठीक है, किन के नाम पर रखा जाएगा, नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ नाम रखने का फैसला लिया है। नाम बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा, ठीक है। रेल मंत्रालय के मंजूरी के बाद इसका नाम चेंज करके नाना शंकर सेठ के नाम पर रख दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने COVID-19 के लिए दवा निर्माता कंपनियों को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है, ठीक है। ADB ने कितने मिलियन की सहायता दी है, ठीक है, यानी ये वायरस जो है कोरोना वायरस है इसके लिए सहायता के लिए, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 200 मिलियन डॉलर, ठीक है, सी राइट आंसर, 200 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाल ही में ADB ने, ठीक है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस COVID-19 की दवा निर्माता कंपनियों को दवा बनाने के लिए 200 मिलियन डॉलर की सहायता दी है, ठीक है, 200 मिलियन डॉलर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पर्वतरोही ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोस्योजिको पर तिरंगा फहराया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भावना डेहरिया ने, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय महिला पर्वतरोही भावना डेहरिया ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी कोस्योजिको पर तिरंगा फहराया है, ठीक है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 2228 मीटर है इस चोटी की ऊंचाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने, ठीक है, रिकॉर्ड ब्यूरो ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है, राइट आंसर होगा सी, 35वां, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 12 मार्च को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है, ठीक है। तो इसकी जो क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण की स्थापना किसने की है, तो नित्यानंद राय ने, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता संतु मुखोपाध्याय का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है, ठीक है। बंगाली अभिनेता जो थे संतु मुखोपाध्याय, तो उनके निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा बी, 69 ईयर, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता संतु मुखोपाध्याय का निधन 69 वर्ष की आयु में हुआ है। उन्होंने अपनी कैरियर में बहुत सी मशहूर बंगाली फिल्में जैसे संसार, सीमांते और भोला भाषा में काम किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशंस एक्सचेंज क्लाउड, ठीक है, गोकाडल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है इसका डी, भारत ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत ने दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड, ठीक है, गोकाडल
लो लॉन्च किया है, ठीक है। यह चेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑटोमेशन और एनालिटिक्स और ऑगमेंटेटिव पर आधारित, ठीक है, समाधान एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 14 मार्च को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष नदियों के लिए 22वीं, ठीक है, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाई गई थी। तो ये कौन सा था, 2020 का, ठीक है, तो ये 22वां था, ठीक है। दिन उद्देश्य नदियों के महत्व पर जोर देना है, यह लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, नदियों का जल जलवायु और परिवर्तन के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस का विषय है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस, ये जो पाई होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 22/7, 3.1, ठीक है, 3.14, तो ये पाई दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया जाता है। इस दिन को 3, 1 और 4 के रूप में चुना गया था, ठीक है, जो चूजन पहले 3 महत्वपूर्ण अंक है, ठीक है, 3.14 जो इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके, ठीक है, आज है 15 मार्च 2020 और 15 मार्च के ये करंट अफेयर थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।